विद 6 इनोवा क्रिस्टा, इसका आस्किंग प्राइस रहेगा मतलब जो भी आईटी ऑफिशियल्स है या फिर कोई स्टार्ट विद दिस क्रिस्टा, दिस इज 2021 को जिसको मैनुअल क्रिस्टा चाहिए पूना नंबर में है लग्जरी लाइन टॉप एंड मॉडल इस ऑप्शन आल्सो 2020 का दैट वुड बी अराउंड 60 लाख ड्रिवन ओनली 6000 किलोमीटर्स ये 2023 एक्सयूवी 700 डीजल के लिए 15+5 पेट्रोल के लिए 15+5 यस तो हमारे सेलिब्रिटी सोम सर आज न्यू लुक और स्टॉक भी सर जबरदस्त लग रहा है आज। यस सर, आज बहुत अच्छा स्टॉक लाया हूँ मैं, राइट, जिनके लिए बजट अराउंड 15-25 तक है उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। ओके, और एज यूजुअल अगेन वी हैव कम अप विद 6 इनोवा क्रिस्टा जो मेरे पास है, तो सामने ही लगी है लाइन में, लाइन में लगा हुआ है और मेरे पास प्रीमियम में इस बार थोड़ा स्टॉक कम है बट जो भी है वो लो बजट में है, राइट, तो मैं आपको सब डिटेल्स चालू करता हूँ बताने के लिए। लेट अस स्टार्ट विद दिस पेट्रोल E200, ओके, मर्सिडीज CGI E200 2014 का कार है, ओके, सिंगल ओनर पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरी टॉप नॉच कंडीशन, क्योंकि 2014 बोला तो मैं फर्स्ट ऐसे देख रहा था गाड़ी कि यार मतलब जिस भी बंदे ने सिंगल ओनर है शोरूम मेंटेन रहेगा ये तो, या पूरा कंपनी मेंटेन है, एंटायर हिस्ट्री अवेलेबल। तो क्या रहेगा सर इसका प्राइस? इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 16.50 में मिल रहा है। yes. इसमें कम ज्यादा हो जाएगा ऑन टेबल डेफिनेटली सर। ओके, नेक्स्ट वन सर, उसके बाद आएगा मोस्ट वांटेड BMW 3GT। सर ये पुणे पासिंग में मिल जाएगा अपने को? या दिस इज पुणे रजिस्टर्ड BMW 3GT डीजल लग्जरी लाइन ऑटोमेटिक। सर बट एक बात बोल रहा हूँ, ये जो ग्रे कलर है ना इसका, सिल्वर कलर बहुत जबरदस्त लग रहे हैं, मतलब रोड पे निकलेगी एक स्टैंड आउट करेगी, क्योंकि व्हाइट ब्लैक हर जगह मिल जाती है बट ये वाला कलर बहुत ही रेयर कलर है, रेयर कलर बोल सकते हैं बट एक ना एक ऑफिशियल कलर बोल रहे हैं क्योंकि आपका ड्रेसिंग में बहुत मैच कर रहा है ये। यस सर, थैंक्स। तो सर ये क्या डिटेल्स है इस गाड़ी के? इसका ये 2015 का ये सेकंड ओनर है, राइट, बट इट इज ड्रिवन 92,000 किलोमीटर्स, पूरा सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल। क्या बात है, जीटी में सेकंड ओनर होना या 90,000 चला है इज नॉट अ बिग डील बिकॉज जीटी इज मोस्ट डिमांडिंग कार इन BMW। माइलेज भी काफी अच्छा होता है ना डीजल, राइट, इट्स अराउंड 14-16 ऑन हाईवेज एंड यू गेट 12-13 इन सिटी। क्या बात है, सो दिस इज आई वुड टेल यू इट इज 2015 एंड वी आर एक्सपेक्टिंग 21 लाख्स ऑन इट, 21 लाख्स, या 21 लाख्स नेगोशिएबल, मार्केट में सबसे सस्ता। यस सर, डेफिनेटली। बट गाइस ये गाड़ी देखो, मतलब जो भी आईटी ऑफिशियल्स है या फिर कोई कॉर्पोरेट में है उनके लिए बेस्ट डील होने वाला है, एक स्टैंड आउट करने वाली गाड़ी है। सर नेक्स्ट कौन सा रहेगा? नेक्स्ट हम सब क्रिस्टा आपको डिस्कस करता हूँ। ओके, मेरे पास अभी फिलहाल 6 क्रिस्टा है, राइट, उसमें से 3 ऑटोमेटिक है और 3 मैनुअल है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्रिस्टा, दिस इज 2021, राइट, सिंगल ओनर ड्रिवन 1,04,000 किलोमीटर्स, ओके, विद फुल सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल, राइट, ये 2.4Z मॉडल आएगा। ओके, टॉप एंड, या टॉप एंड मॉडल डीजल में मिल रहा है, डीजल में। इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 25,50,000 व्हिच इज नेगोशिएबल। ओके, उसके बाद आएगा 2021 का 2.4Z मॉडल, ओके, ये भी 2550 टॉप एंड डीजल ऑटोमेटिक सिंगल ओनर, ये भी चला है 1,10,000 किलोमीटर्स। ओके, 2550 बोथ 2.4Z 2.4Z। ओके, क्या बात है, उसके Next? बाद आएगा आपको जिसको मैनुअल क्रिस्टा चाहिए विथ VIP नंबर, okay. तो ये आपको मिलेगा 2.4Z में, okay. 2019 का है ये, इट इज ड्रिवन ओनली 65,000 किलोमीटर्स विद एंटायर सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल। क्या बात है, ये 2.4 में Z आएगा मैनुअल में, okay. इसका आस्किंग प्राइस है 22 लाख विच इज नेगोशिएबल, मैनुअल क्रिस्टा। मैनुअल क्रिस्टा सर, अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है तो अगर कोई पॉलिटिशियन देख रहा है ना, बहुत बढ़िया डील होने वाली है उसकी, डेफिनेटली, क्योंकि ना वेटिंग है, यहाँ पे आओ, टॉप एंड मॉडल मिल रहा है, ऑटोमेटिक मिल रही है। यस, और ऊपर से मेरे पास वी मॉडल भी है मैनुअल में। ओके, तो मेरे पास जी है, वी है, जी है, ऑल थ्री मॉडल अवेलेबल है, वो मिल जाएगा, राइट सर, राइट, बहुत। नाउ आई विल टेक यू टू दिस, दिस इज 2017 क्रिस्टा वी मॉडल, ओके, जो
सिंगल ओनर है, इट इज ड्रिवन 86,000 किलोमीटर्स, ओके, डीजल मैनुअल में आएगा ये, राइट, दिस इज आस्किंग प्राइस इज 18,50,000 व्हिच इज नेगोशिएबल अगेन, 18,50,000, मिंट कंडीशन, मरून कलर, जबरदस्त कंडीशन में, क्योंकि right. देखो कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, हाँ कलर ऑप्शन भी है, जिसको ग्रे चाहिए, व्हाइट चाहिए, मरून चाहिए, जो चाहिए वो कलर आपको मिल जाएगा, व्हाइट में भी दो है, पर्ल व्हाइट, सुपर व्हाइट, सुपीरियर व्हाइट एज वेल एज पर्ल व्हाइट, राइट, नेक्स्ट के बाद आपका अगर जी मॉडल चाहिए किसी को, ओके, डीजल ऑटोमेटिक में, तो ये बेस्ट ऑप्शन ही है, चला है ओनली 60,000 किलोमीटर्स, ओके, ये MH20 रजिस्टर्ड है, राइट, 2019 दिसंबर का गाड़ी है, तो यू कैन कंसीडर इट एज 2020, राइट, इट इज ड्रिवन ओनली 60,000 किलोमीटर्स जी मॉडल एंड इसका आस्किंग प्राइस है 21,50,000, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत, देखो आप मतलब गाड़ी देखिए, कंडीशन देखिए सर, अभी यहाँ पे आएंगे टेस्ट ड्राइव वगैरह जो भी क्लियरेंस, डेफिनेटली वो तो सब मिलेगा, सब yes. मिल जाएगा, yes. क्योंकि करजो एक जो ब्रांड है उसका ब्रांड मेंटेन करने के लिए सर बहुत मेहनत लेते हैं और सर के वजह से मतलब इतने लोग मुझे भी हमें भी कमेंट करके बोलते हैं सोम सर के का स्टॉक देखना है, राइट सर, थैंक यू, नहीं हमारे पास जो भी रहता है जेन्युइन रहता है, नो मीटर टैम्परिंग, आई वुड लाइक टू रिपीट इट कि मेरे पास सब गाड़ियों का पूरा हिस्ट्री रहता है, कोई एक्सीडेंटल हिस्ट्री नहीं रहता है, right. अभी ये ले लो किया कैरेंस, ओके, ये तो 2022 का है, डीजल ऑटोमेटिक वीआईपी नंबर, पूना नंबर में है, लग्जरी लाइन, टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड मॉडल है, टॉप एंड मॉडल विद सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, एवरीथिंग, राइट, अभी ये गाड़ी जो है सर, अभी जैसे कि बाकी गाड़ियाँ होती है इनोवा वगैरह जो जिनको मतलब कम्फर्ट चाहिए और लग्जरी भी चाहिए तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होएगा ना? या दिस इज गुड ऑप्शन फॉर 7-सीटर, ओके, तो ये भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, आपको अगर सनरूफ है इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स आएगा, एम्बिएंट लाइटिंग आएगा, राइट, तो ये 2022 का 19 लाख आस्किंग प्राइस है, डीजल ऑटोमेटिक सिंगल ओनर 40,000 ड्रिवन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अगर किया में बड़ा गाड़ी चाहिए तो यहाँ पे और एक मतलब जैसे हमने लग्जरी में चाहिए, यस लग्जरी में चाहिए, सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन कार, राइट, यू कैन हैव दिस ऑप्शन ऑल्सो, 2020 का है गाड़ी, सिंगल ओनर, पूना नंबर, ओके, वीआईपी नंबर 9911, ये चला है 60,000 किलोमीटर्स, ये प्रेस्टीज मॉडल है, राइट, और इसका डील रहेगा आपको 26 लाख नेगोशिएबल, ओनली, यस 26 लाख नेगोशिएबल, ओके, 2020 का प्रेस्टीज मॉडल किया कार्निवल, मतलब गाइस देखो ना, मतलब अगर ऑप्शन देख रहे हो तो बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये गाड़ी मतलब जो अभी पॉलिटिशियन चॉइस बनते जा रही है, इवन द सेलिब्रिटी चॉइस एंड इवन अ बिजनेस पर्सन, अभी आमिर खान भी ये यूज करते हैं, राइट सर, राइट, आपको स्कोडा का सुपर्ब, जो कि एक बिजनेस क्लास कार है, राइट, अगर जिसका बजट कम है, सुपर्ब चाहिए, पेट्रोल चाहिए, प्रोफेशनलिज्म के लिए बेस्ट कार है, तो ये 2016 का है, एलिगेंस मॉडल है, विद सनरूफ, पेट्रोल, ऑटोमेटिक, इट इज ड्रिवन ओनली 69,000 किलोमीटर्स, ओके, विद एंटायर सर्विस रिकॉर्ड्स अवेलेबल, राइट, इसका डील ब्रेकिंग डील रहेगा 15 लाख ऑन टेबल नेगोशिएबल, ओके, 15 लाख में दे रहे हो, यस, क्योंकि नई गाड़ी 45 में आती थी, दैट वाज द LNK मॉडल, ओके, बट दिस इज द एलिगेंस, दैट टाइम दिस वाज कॉस्टिंग यू अराउंड 30 लाख, 30 to 35 लाख, 30 to 35 लाख, यस, ओके, और अभी जो लॉन्च हुआ है वो कुछ 15 लाख और बढ़ा दिया उन्होंने, या वो आएगा मे बी मिड ईयर में आएगा अभी, बट दैट वुड बी अराउंड 60 लाख, क्योंकि इसका कंपैरिजन होता है सीधा 5 सीरीज से, maybe yes Five and series? also now this is one of the good news for all Superb lovers that Superb is coming back in India and again the price range would be around 60 to 65 lakhs, so jisko Superb ka sapna pura karna hai to aap low budget mein aap Superb ka sapna pura kar sakte ho, wo bhi petrol hai to koi tension hi nahi, yes definitely, right. so next kaun sa hai sir, uske baad aayega BMW 530 hai ye, okay, 3000 cc, 245 bhp, ये 2012 का है, इट इज ड्रिवन ओनली 70,000 किलोमीटर, सिंगल ओनर, ओनली 70,000 विद फुल सर्विस रिकॉर्ड, पावर के लिए बहुत जानी जाती है, और जो मतलब BMW बोलते हैं ना एम पावर, या फिर जो yes. पावर के लिए BMW जानी जाती है, वो इस गाड़ी से एक्सपीरियंस मिलने वाला है, और बेस्ट पार्ट कम प्राइस में होने वाली है, डेफिनेटली दिस इज 14,50,000 अगेन नेगोशिएबल, एंड फैंसी नंबर है वो भी, विथ पूना नंबर, फैंसी नंबर, सिंगल ओनर, 70,000 जेन्युइन ड्रिवन, ओके, उसके बाद आएगा लैंड रोवर का फ्री लैंडर 2 आता है ये, ओके, ये फ्री लैंडर 2 में आपको 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन नहीं है, ये 2-व्हील ड्राइव में है, लेकिन इट इज 2015 मॉडल, ओके, इट इज ड्रिवन अराउंड 1 लाख किलोमीटर, राइट, इट इज सेकेंड ओनर, बट कंपनी मेंटेन, वेरी वेल कंडीशन, राइट,
इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 19,50,000 विच इज नेगोशिएबल। इसका कौन सा पासिंग रहेगा सर? MH12 भी है। MH12 ओके। उसके बाद आएगा MG हेक्टर डीजल मैनुअल ड्रिवन ओनली 6,000 किलोमीटर्स। वही मैं सोच रहा था, कराजो में और मतलब 10,000 से कम चली हुई गाड़ी नहीं मिला, ऐसा हो ही नहीं सकता। डेफिनेटली सर, ये 6,000 चला हुआ है डीजल ऑटोमेटिक, एक साल पूरा हो गया है अप्रैल में। दिस इज 2023 अप्रैल टॉप एंड मॉडल। ये शार्प प्रो है डीजल मैनुअल। इसका आस्किंग प्राइस है 22,50,000। ये 5-सीटर में आएगा, फुल्ली लोडेड, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड सीट, पैनोरामिक सनरूफ, 10 एयरबैग, फुल्ली लोडेड, पूरा फीचर लोडेड गाड़ी, मतलब इंटरनेट इनसाइड जैसे बोला जाता है वैसा है। yes. आप ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लो इसका, बहुत जबरदस्त, मतलब इट्स मोबाइल कार बोल सकते हैं, मतलब कुछ भी कमांड हो जाएगा। यस राइट, नेक्स्ट मॉडल है। उसके बाद आएगा स्कॉर्पियो में, महिंद्रा में स्कॉर्पियो Z8L फोर व्हील ड्राइव आएगा। राइट, ये 2023 मई का गाड़ी है। इट इज जस्ट 11 मंथ्स ओल्ड, Z8L टॉप एंड मॉडल, जिसका नया का प्राइस 29,80,000 है। ये चला है ओनली 25,000 किलोमीटर्स और इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 26 लाख, विच इज नेगोशिएबल। 26 लाख नेगोशिएबल, वो भी अभी बात पॉलिटिक्स की हो रही है कब से, तो ये गाड़ी आपको मतलब जो वेटिंग है 6-7 महीने का वो क्रॉस करके, कम से कम एक साल का वेटिंग है अभी। स्कॉर्पियो एन है, ये एन है और वो भी टॉप एंड है विद सनरूफ, नेताजी बाहर आएंगे उसमें से। राइट सर, राइट। अभी सर सर और एक बात है, अभी कुछ लोग बोलते हैं 6,000 ही चलिए, क्यों बेच रहे हैं, तो कुछ रीजंस क्या होते हैं, मतलब कोई अपग्रेड रहता है या कोई कस्टमर वो मूव आउट हो रहा है, कंपनी चेंज हो रहा है, मार्च एंड आता है, अप्राइजल आता है, तो हर कोई किसी का प्रमोशन होता है तो स्टेट बदलता है, ही गोज फ्रॉम महाराष्ट्र टू बैक टू एनी अदर स्टेट, तो इसके वजह से लोग सेल करते हैं। पुणे जैसी सिटी में जहाँ पे ITF हो, तो कुछ लोगों का ट्रांसफर आउट ऑफ इंडिया होता है, तो वो लोग भी बेच के चले जाते हैं। यस, वो तो कॉमन है सर। राइट, उसके बाद आएगा आपको स्कोडा में कोडियाक आएगा, ये 2020 का है। ये 74,000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, सिंगल ओनर है, ये 7-सीटर में आएगा, स्टाइल प्लस मॉडल 4x4। स्टाइल प्लस 4x4 और 7-सीटर, यस, विद सनरूफ, एवरीथिंग फुल्ली लोडेड। राइट, इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 30 लाख, विच इज नेगोशिएबल। ओके, 700 भी है XUV 700 मैनुअल जिसको चाहिए। ओके, AX7L में है, सबसे टॉप एंड मॉडल विद फुल PPF किया हुआ है। पेट्रोल या डीजल है सर? ये डीजल मैनुअल 2022 का, ड्रिवन 60,000 किलोमीटर्स। ओके, ज़्यादा चला है क्योंकि इसका माइलेज जो है बहुत अच्छा है। राइट, डीजल मैनुअल के लिए दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट द कार इज ड्रिवन मोर इन 2 ईयर्स। राइट, तो हाईवे पे यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 15-16 किलोमीटर्स पर लीटर फॉर अ 7-सीटर मैनुअल में। तो इसका आस्किंग प्राइस रहेगा 24,50,000, विच इज नेगोशिएबल। ये AX7L है, लग्जरी टॉप एंड मॉडल। ओके, तो अभी 24 कितना बोला आपने सर? 24,50,000 अभी गाइज ये प्राइस है ना, ये नेगोशिएबल होता है। हम अभी बोलते हैं तो सर ऑन टेबल हो जाएगा या ऑन कॉल हो जाएगा? ऑन कॉल भी, अगर बाहर के स्टेट का है या फिर बाहर विद इन महाराष्ट्र बाहर से जिनको दूर है आने में। right. तो फोन पे एक प्राइस डिस्कस कर सकते हैं और अगर मैच होता है तो फिर वो इतना दूर से आ सकते हैं। डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल हो गया है। राइट, तो गाइज अभी दो स्पेशल गाड़ियां हैं, मतलब पॉलिटिशियन चॉइस, इवन ऑफ रोडिंग किंग्स। बट सर अभी जैसे ये हो गया कि महाराष्ट्र में और बाकी स्टेट्स में, दिल्ली में क्या होता है 10-10 साल का खत्म, गाड़ी खत्म। यहाँ पे 10 डीजल के लिए 15+5, पेट्रोल के लिए 15+5। यस, मतलब 20 इयर्स का ये होता है। डेफिनेटली, और गाड़ी वो भी डिपेंड होता है, एक फिटनेस आता है, फिटनेस सर्टिफिकेट आता है हर एक कार का। ओके, आफ्टर 15 इयर्स अगर वो फिटनेस सर्टिफिकेट आप पास करते हो, RTO अगर पास करता है, तो आपको 5 इयर्स का एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो गाइज अभी देखो दो गाड़ियां है, मैं चाहता हूँ अपन शुरुआत करते पहले थार से। थार का ऑलरेडी मेरे पास बुकिंग हो चुका है, बट फिर भी मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। ये 2023 का मॉडल था। ये ड्रिवन 25,000 4x4 डीजल मैनुअल था, ये हार्ड टॉप वाला LX मॉडल। राइट, ये हमने एक्सपेक्टेड प्राइस 1750 रखा था। इसका बुकिंग आ चुका है। बेस्ट, मतलब पर अगर कोई थार आता है तो अपने पेज पे देखने मिल जाएगा। यस डेफिनेटली। ओके, तो गाइस नंबर मेंशन है, नंबर सेव करके रखिए, कराजो का आपको तुरंत डिटेल मिल जाएंगे। सर इस एंडेवर के क्या डील्स होंगे? ये एंडेवर 2019 का है। इट इज 2.2 डीजल ऑटोमेटिक टाइटेनियम मॉडल, ड्रिवन ओनली 49,000 किलोमीटर्स विद एंटायर सर्विस रिकॉर्ड्स इन 5 इयर्स। ये चला है ओनली 49,000 किलोमीटर्स। जेन्युइनली यूज्ड कार है। राइट,
सिंगल ओनर है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी फुल कंडीशन में है, इसका आस्किंग प्राइस है 29,50,000 विच इज नेगोशिएबल। 29,50 नेगोशिएबल, यस, जो कि बहुत व्यूअर्स को लग रहा है कि एंडीवर के लिए बहुत हाई प्राइस है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में कम चला हुआ एंडीवर 2.2 और जेन्युइन 2.2 टाइटेनियम डीजल ऑटोमेटिक कहाँ भी नहीं मिलेगा आपको, ये जेन्युइन 49,000 चला है, इसीलिए इसका प्राइस 29,50 है और ऊपर से ये सिंगल ओनर पुणे नंबर में, यस, राइट। तो सर अभी जैसे मैंने आपके कैटलॉग में फॉर्च्यूनर देखा था, है क्या सोल्ड आउट? फॉर्च्यूनर है मेरे पास, 2022 का है, डीजल ऑटोमेटिक 4x4 जिसका नया का प्राइस महाराष्ट्र में 52,50,000 है, ओके, तो वो मेरे पास है विद वीआईपी नंबर ऑफ 16 MH12 में आएगा, राइट, उसका आस्किंग प्राइस हमने रखा है 45 लाख, व्हिच इज अगेन नेगोशिएबल, ओके, ऑन टेबल नेगोशिएबल, यस सर। सो गाइस स्टॉक देखिए, इनका नंबर दिया है, कांटेक्ट नंबर मेंशन किया है, सर कॉलिंग टाइमिंग क्या रहेंगे? कॉलिंग टाइमिंग मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 7:30 तक, 7:30 के बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो, आपका क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे सकता हूँ, और नेक्स्ट डे सुबह मैं आपको 10 बजे के बाद कॉल कर सकता हूँ। ओके, कॉल बैक आ जाएगा डेफिनेटली। तो गाइज ये था कराजो का लेटेस्ट स्टॉक, इनका स्टॉक हर दिन अपडेट होता है, तो नंबर सेव करना, इन्हें मैसेज करना, अगर कोई गाड़ी पसंद आई हो स्क्रीनशॉट लेके इनको सेंड कर देना, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।